हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप गमले में यानी ग्रो बैग में आप लौकी कैसे उगा सकते हैं और कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल पा सकते हैं, आपको अपडेट के साथ हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो लौकी है वो उसकी हमने नर्सरी तैयार की थी। जनवरी के महीने में हमने यहाँ पर जो बीज हैं वो लगाए थे और इनकी पौध तैयार हो गई थी। तो इनको हमने यहाँ पर शिफ्ट करना है ग्रो बैग में अपने, क्योंकि जब पौधे अच्छे से डेवलप हो जाते हैं तब इनको हम ग्रो बैग में लगा रहे हैं। और यहाँ पर जो ग्रो बैग में हमने मिट्टी भरी है, उस मिट्टी में हमने 3 भाग मिट्टी ली है और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट मिला करके अच्छे से मिला लिया है मिट्टी को। उसके बाद हमने ग्रो बैग में भर दिया था। जब मिट्टी आप भरें तो थोड़ा उसमें नमी ज़रूर होनी चाहिए। अगर नमी ना हो तो उसमें आप सिंचाई पहले कर दें, उसके बाद पौधे लगाएं 3-4 दिन के बाद, जब हल्की नमी कम पड़ जाए। तो यहाँ हम पौधा लगाकर पानी दे दे रहे हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट बीज की बुआई कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, अभी लगभग हो चुके हैं यहाँ 32 दिन पौधों को लगाए हुए, और 32 दिन में देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इनकी। पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी निकली हैं, ये देखिए, बहुत ही सुंदर पौधे चल रहे हैं। अभी तक इसमें कोई भी रोग कीट या कुछ भी ऐसी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। ऊपर हमने थोड़ा यहाँ मचान बना दिया था, क्योंकि जब मचान बना होता है इस तरीके से तो देखिए, जो लौकी के फल लगते हैं उनमें कोई रोग नहीं लगता है और फल सारे के सारे बहुत ही सुंदर लगते हैं, उनमें कोई कीट वगैरह का आक्रमण नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए, पत्तियाँ जो हैं अभी भी बिल्कुल क्लीन है, हमें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है पौधे में। सिर्फ आपको नमी बनाए रखना है गमले में, क्योंकि हमने वर्मी कंपोस्ट भरी थी इसलिए उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो पौधे को मिलता रहता है। तो यहाँ पर अभी हम कुछ भी और नहीं दे रहे हैं, बस इसमें हर 3rd-4th दिन यहाँ पर पानी अच्छे से दे देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लगभग 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं पौधे और यहाँ पर देखिए, पौधों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। जो नए यहाँ पर शूट्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो गए हैं और साथ में यहाँ पर जो फल होते हैं वो भी बनना स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको फल दिखाई देंगे, हर पत्ते के पास यहाँ पर फल बनने लगे हैं। तो देखते हैं कितने दिन में यहाँ पर हार्वेस्टिंग मिलती है। तो अभी देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फल लग चुके हैं, अब बस इनको ग्रोथ होनी देरी है। यहाँ पर देखिए, पौधा जो है वो मिट्टी में लगा हुआ है और ये जो गमला है काफ़ी बड़े साइज़ का है, ये हमने घर पर ही तैयार किया था, आप भी इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये वाला ग्रो बैग है, ग्रीन वाला, ये हमने मंगाया था, इसको ख़रीदा हुआ है, लेकिन ये साइज़ इनका काफ़ी बड़ा है। ये 18x18 के हैं, दोनों ग्रो बैग हमने नाप के बनाए थे, यानी 18 इंच इनका जो ब्यास होता है वो 18 इंच का है। यहाँ पर देखिए, जो नीचे से शूट्स निकलते हैं उनको हमने कट कर दिया था, क्योंकि जब नीचे से पौधे जहाँ तना होता है वहाँ से अगर ज़्यादा टिलर निकलते हैं तो पौधा कमज़ोर हो जाता है और वहीं से उसकी ग्रोथ रुक जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा मात्रा में फल लगना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप भी यहाँ कर सकते हैं। अब आप चाहें, जब पौधा आपके फल बनने लगे पौधे में, तब आप चाहें तो यहाँ पर जो थोड़ी सी खाद आप दे सकते हैं, जो जैविक खाद आप देना चाहते हैं तो या फिर आप 1 बाल्टी पानी में लगभग 50 ग्राम के आसपास NPK घोलकर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अभी हो चुके हैं लगभग 50 दिन के आसपास पौधों को लगाए हुए और यहाँ पर फल जो हैं वो देखिए इतने इतने बड़े हो चुके हैं, कई सारे यहाँ पर फल एक साथ लग चुके हैं। तो इनकी हार्वेस्टिंग करने का समय आ चुका है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जब फल लगते हैं उनको आप जितनी जल्दी जल्दी हार्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी जल्दी आपके पौधे में जो ऊपर के फल होते हैं छोटे छोटे, वो उनकी ग्रोथ बनी रहती है लगातार। यहाँ पर देखिए, अभी 3 फल तो बड़े बड़े लग चुके हैं। जो शुरुआत के दिनों में अगर आपको 3 फल 2 फल एक साथ मिलने लगे तो आपको आपका पैसा बहुत बचेगा। बाहर मार्केट में बहुत ज़्यादा खाद दवा की आती हैं लौकी, तो उनको आप थोड़ा अवॉइड करें। अपने घर पर अगर तैयार कर सकते हैं तो आप ज़रूर तैयार करें। आपके पास अगर जगह पड़ी हुई है तो इस तरीके से तैयार करके आप सब्जियां निकालें अपने यहाँ, और उनका टेस्ट भी कुछ अलग ही होता है। अभी देखिए, लौकी जो है आपको अपडेट आगे का दिखा रहे हैं, फिर से लौकी बहुत सारी लग चुकी हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा लौकी आप निकाल सकते हैं एक पौधा अगर आपका चल गया अच्छे से। हमने यहाँ पर 2 पौधे लगाए थे, अभी उसका भी आगे वीडियो देंगे, क्योंकि दूसरा जो पौधा हमने लगाया है वो गोल लौकी का है, उसका भी वीडियो जल्दी ही आपको मिलेगा। तो इस तरीके की जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जानकारी जो दी जाती है वो बिल्कुल करेक्ट दी जाती है और हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी दोस्तों मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने में अगर आपको यहाँ पर फल मिलने लगे तो कितना अच्छा होगा, कितना पैसा बचेगा आपका, क्योंकि शुरुआत के दिनों में जो लौकी होती है बहुत महंगी होती है और जल्दी से इतनी अच्छी मिलती भी नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पर सब फली फल लगे हुए हैं सिर्फ एक पौधे में। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।